क्या नाम है आपका? पुनीत। पुनीत, आप क्या करने वाले हो? डांस। कौन सा परफॉर्मेंस? कौन से गाने पे? आदत से मजबूर। आदत से मजबूर। वैसे ऐसी कौन सी आदत है जिससे आप मजबूर हो चुके हो, जो आपके माँ बाप को बिल्कुल नहीं पसंद? कोई तो आदत होगी। मैं ज़्यादा ऐसे फ्री बैठे रहते हैं। फ्री बैठे रहते हैं। फिर आपकी एज है ना? हाँ। फ्री बैठने की आदत से मजबूर हो। हाँ। और आए तो आप अंदर जाओ ना, अच्छे से परफॉर्म करें। ओके, गिव योर बेस्ट। तुम्हारी यार स्माइल बड़ी क्यूट है। क्या होता है जब सोलो परफॉर्मर होता है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो पूरे स्टेज को कैप्चर करे। जैसे बहुत बड़ा स्टेज है, अभी आप जो भी कर रहे थे वो सेंट्रल स्टेज कर रहे थे। आप इतने क्यूट हो, मैं आपसे इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं चाहता था कि मैं कुछ नया देखूँ, कुछ और एनर्जी देखूँ। मैं चाहता था कि अभी पुनीत ये करेगा, पुनीत वो करेगा, लेकिन बहुत बहुत ठंडा था। ऐसा क्यों? नर्वस हो गया? क्यों नर्वस होने की बात है? पहली बार कर रहे हो तो एक तो तुम्हारे कोरियोग्राफर ने भी अच्छे स्टेप्स नहीं दिए तुम्हें, बहुत ढीले ढीले स्टेप थे और वो फिनिश भी नहीं होते थे। मतलब पता ही चला था कि उसका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ से हो रहा है। तुम अगली बार और प्रैक्टिस करो, मैं तुम्हें दोबारा देखना चाहता हूँ। तुम बहुत अच्छे दिखते हो, तुम्हारी क्यूट जो स्माइल है बहुत क्यूट है। उस ये तुम्हारा प्लस पॉइंट है, इसको पॉजिटिव वे में लो और इस एक्सप्रेशन को यूज़ करो अपने डांसिंग के अंदर। थोड़ा सा और एनर्जी लाओ, थोड़ा और मस्ती वाला करो, भूल जाओ कि कोई आगे खड़ा है या नहीं खड़ा है, सिर्फ इन्जॉय करो अपने डांस। ठीक है, अगली बार करोगे? पुनीत, बहुत प्यारी स्माइल है तुम्हारी। मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा कि किसी ने तुम्हें बोला कि ना छोटा सा एरिया है, इधर से आप हिलना नहीं, तो आप वहीं खड़े होकर डांस करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप पूरे स्टेज को यूज़ करते। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम, और बहुत अच्छे से तैयारी करके आना। ओके, सी यू। क्या मिला आपको? रेड कार्ड मिला। चलो, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम और अच्छे से मेहनत करना। ओके, पूरे स्टेज पे अच्छे से डांस करना, नॉट इन वन प्लेस।